बच्चों, जैसे कि आप देख रहे हैं कि मैं पिछले कुछ दिनों से काफी YouTube पे एक्टिव हूं और काफी एक्टिवली वर्क कर रहा हूं। आज मेरा बहुत जमाने पहले कुछ साल पहले आई थिंक कुछ महीने पहले कुछ बच्चों ने रिक्वेस्ट किया था कि आप जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पे, खासकर जीओसी पे वर्क करें। बेसिकली ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में रिएक्शन मैकेनिज्म को अंडरस्टैंड करने में बहुत दिक्कत आती है। तो अब मेरा प्लान है कि मैं कुछ आइडियाज के साथ नई तरीके से थॉरली 1-to-1 हर एक चैप्टर हर टॉपिक को कवर करते हुए जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को स्ट्रेंथन करने की कोशिश करेंगे। और जहां तक आप इस कंटेंट को अगर आप स्टडी करेंगे रेगुलरली, याद ख्याल रखिए हमेशा वीडियो को अरेंज करके अगर आप लर्न कर पर देखना शुरू करेंगे तो आप ये पाएंगे उसमें कि आपको ग्रेजुअली धीरे धीरे आपका ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का इंप्रूवमेंट हो सकता है। बेसिकली हमारा मेन मकसद क्या है कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को बेटर, इजी और आसान कैसे किया जाए। अक्सर क्या होता है कि देयर सेवरल वीडियोस आर आल्सो अवेलेबल बट पर डिपेंड वो बेसिक कंसेप्ट पे बात कम करते हैं, थोड़ा सा कम करके निकल जाते हैं। हमें कोशिश करना है कि मैं पूरा डिटेल इन्फॉर्मेशन दूं ताकि आप जेई मेंस, जेई एडवांस, इवन नीट एग्जाम के लिए आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कोई प्रॉब्लम्स नहीं आए।